बिग बॉस मैं नहीं देखता हूँ लेकिन हाँ विकास वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर द 10 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ वायकॉम 18 एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑफ द चैनल एंड इसलिए थोड़ा और भी मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरा एसोसिएशन काफ़ी सालों से रहा एंड एंड आई विश वायकॉम 18 many more years. Great to see and I mean many congratulations to Colors Viacom 18 for 10 years. So yeah, I'm looking forward to it. It seems to be pretty good. Yeah, absolutely. Whenever I get time, तो मैं बिल्कुल देखता हूँ Big Boss और in fact ये season बहुत ही entertaining है. Different characters, सबके अलग अलग moods हैं. सभी को पता है कि मेरी टेलीविजन की जर्नी शुरू हुई है थ्रू Viacom 18 एंड आई एम सो प्राउड टू बी हियर. Yes, I think the blouse is really, really nice, and I think I had a little thing about, oh, should I wear it or not? But then Colors is there, and then it's Colors party. It's 10 years that we're celebrating here. यार बिल्कुल एकदम frankly बताऊँ तो मैं थोड़ा busy हूँ अपने shoot वगैरह में. हाँ, जितना थोड़ा बहुत देख लेता हूँ. बहुत oh shit! लगता है कि मतलब सर तो नहीं कटवाना चाहिए फिल्म बनाने पे. आज मैंने वो पढ़ा तो वो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा. बाकी तो आई थिंक वो समझदार लोग हैं, आई थिंक दे विल टेक अ कॉल. पर हाँ, मतलब फिल्में इतना लोड नहीं लेना चाहिए. फिल्में हैं, कहानी कह रहे हैं, कहानी सुनाने दो. अगर कहानी पसंद ना आए तो मत देखो. आई वुड वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट Viacom फॉर कम्प्लीटिंग 10 ईयर्स. सो हार्डेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन. And I've been fortunate enough कि मैं इस बड़ी फैमिली का एक हिस्सा रह चुका हूँ. बहुत ही रहता है पार्टी बट हाँ, ऐसी वाली पार्टी ज़्यादा मज़ा है. तैयार होके कभी कभी करते हैं. हाँ, वैसे टी शर्ट जीन्स में आ जाते हैं. वो दूसरी पार्टी गई है, उसे बुलाया था एक्चुअली. वो घर गई है, होम टाउन गई फैमिली से मिलने. सो वी आर मिसिंग हर. तो कभी कभी कुछ सीजन्स होते हैं, तो ये जो सीज़न है प्रॉबली नवम्बर 2nd or 3rd week इज सीज़न ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज़ लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ चल रही हैं. तो मुझे लगता है एक कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, जो लोग निदर्शन कर रहे हैं उनके साथ, और कलाकारों के साथ भी. Because it's a party and it's a formal party, so I thought of wearing something formal. And yeah, it's teamed up with a lacy knit bustier and my pencil fit pants with a black blazer. Sach sach batayenge, aadhe ghante mein taiyar ho kar aaye hum directly shoot se. Correct. बट इट्स ओके. ऐसा कुछ मेजर नहीं है, मुझे थोड़ा ग्लिटरी लेना था, थोड़ा सा स्पार्कल करना था, बिकॉज आई ऑलवेज फील व्हेन यू स्पार्कल लाइफ स्पार्कल्स यू नो अराउंड अस. सो इसलिए मैंने लुक लिया. शी इज रीडिंग अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशनल बुक्स. यस यस, आई मीन दिस टाइम ऐसा कुछ नहीं है, एकदम कैजुअल लुक. मुझे बहुत कैजुअल यू नो आना था. ये कोई अवार्ड नाइट नहीं है, मुझे ऐसा लगा. तो बहुत ही कैजुअल लुक है, अ स्कर्ट एंड अ वेरी सिंपल टॉप, दैट्स इट. हम तीनों ने पहना है, ब्लैक शुरू हुआ था. सो ऑल द बेस्ट, उनके 10 साल होने वाले हैं, हमारे भी 7-8 साल हो गए हैं. सो मे बी उन बड़ा विश देम ऑल द बेस्ट एंड या दैट्स इट. किस तरीके से डिसाइड किया? आज हम लोग बहुत कैजुअल मूड में थे, और क्योंकि गुरमीत बहुत दिनों के बाद बॉम्बे वापस आया है, देखिए एकदम ब्लैक. तो उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हुए इनको एकदम फॉर्मल पहनने को कुछ मन नहीं कर रहा. बहुत शुभकामनाएं 10 साल कंप्लीट करने के लिए, और हम ये उपेक्षा करते हैं कि अनदर 20, 30, 40 ईयर्स गोल्डन जुबली के भी ऊपर प्लैटिनम मनाई जाए. कि मैं हमेशा से ही सही का स्टैंड लेता हूँ, तो मैं उनका स्टैंड ले रहा हूँ यार. थैंक यू. ओ बिग बॉस तो निकल गया ना अभी, रोहन मेरा बिग बॉस. Mix match it with a nice black skirt, so I'm carrying Sitara's. इसके लिए कुछ नहीं है. नहीं, मैं भी उसके लिए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कभी ये मेंस कलेक्शन भी लेके आएंगी. टीम करना एक बायोलॉजिकल एक्शन है, जो शो पे होता है कई बार वो उससे भी ज़्यादा बदतर होता है. तो मेरे हिसाब से पीन करना इज़ ओके. आप इंडिया की सड़कों पे जाएंगे, आपको 10 मर्द पी करते हुए मिलेंगे, तो दैट्स ओके. आपको तो पता है भाई, दिल में नहीं आते हैं, बस समझ में आते हैं. क्योंकि ज़िंदगी में तीन चीज़
कभी अंडर एस्टिमेट मत करना सलमान भाई, बच्चे लोग एंड ओनली सलमान भाई। आज मैं भाई के जुड़वा के गाने में परफॉर्म करने वाला हूँ, 9 से 12 और ऊँची है बिल्डिंग, एकदम ईस्ट और वेस्ट, भाई इज द बेस्ट। I just know that her style quotient has really gone higher and I really enjoy that. I really enjoy every time I see her getting dressed. So, how do you look? Last minute socha hai, last minute sab kiya hai. This is a Priya Chabria dress and this is my personal and this is from Colors. And baki kya? Normal. This thing hai jitna bhi maine follow kiya hai. Some really cool young people are also there and they're trying to do their best. Do to MTV ke bhi hai, Priyank aur Binafsha. Acha kar rahe hai wo log. Honestly, we are never home to watch the show. We are always out. But Rohit has seen some of the episodes. Nahin, bahut acha show hai. Always follow Big Boss. It's one of my favorite shows. Aur yes, follow kar rahi hoon. Kuch socha nahi. बस आ गई आज नोज रिंग नहीं पहनी मैंने बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस आउटफिट के साथ नोज रिंग नहीं जाएगी। शौक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाए। अरे आप भी आए हैं, अरे 10 रुपए इनको माथा टेको। हाँ जी कपड़े हैं उसमें क्या है, आज थोड़े से पुरुष के हैं, नॉर्मली होते नहीं है मेरे पास ऐसे और बहुत कम चांस मिलता है मुझे, और आज इस पार्टी में मुझे अवसर मिला कि आदमी के कपड़े में पहन सकूं। अच्छा मैं जब पिछले साल निकला था 12वें हफ्ते में 15 में से, तो तब से लेकर आज तक मैंने अपना सीज़न नहीं देखा, सो इसके बारे में जवाब क्या दूँ? एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेशन, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्कआउट, जिस दिन मैं फ्री होती हूँ मैं उस दिन डेफिनेटली मेक श्योर करती हूँ कि मैं वर्कआउट करूँ। वो डर नहीं रही हैं और काफ़ी मुझे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत पसंद है। आई वॉच्ड वन पर्टिकुलर एपिसोड जहाँ कुछ टास्क में उन लोगों के फेस पे कुछ कुछ डालना था एंड शी रियली हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ मेंटल, सो आई थिंक शी इज़ डूइंग ग्रेट। शी इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वहाँ पे ना रोज़ लोग फ्लिप हो जाते हैं। आई हर्ड दैट इज़ द वर्ड। आई नो हिम and I really like Shilpa Shinde and Hina Khan, they're playing really well, so I wish them all the luck. Because of Salman one and because Dev uske baad aaya karta tha. Weekdays mein nahi dekh raha hu itna. Normally Big Boss mein mere matlab 14 mein se 10 log jaane pehchane hote hain. Some of my friends and wish everybody for their 10 year anniversary Viacom 18s, so yeah, I'm just looking forward to going inside. Thank you. एंड इनफैक्ट मैं भी अभी अभी कलर्स के साथ जुड़ा हूँ, हमारा नया शो कल ऑन एयर जा रहा है, एंटरटेनमेंट की रात, सो ही इज़ विशिंग बोथ ऑफ अस। कम देखता हूँ सर टीवी। अच्छा लेकिन एक चीज़ हुआ था जो घटना हुई थी एयरपोर्ट पर। अरे यार माफ़ करो मेरे भाई, मेरे पापा का क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन नहीं था भाई, पापा अभी 30 साल से इंडस्ट्री में हैं, उनको आदत है इन सब चीज़ों की। ये सब आप लोगों ने ऊपर ऊपर से बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाई हैं, कोई सच तो है नहीं इनमें। डन सर, थैंक यू।